शक्ति अरोड़ा और भाविका शर्मा स्टार हैं गुम है किसी के प्यार में को खूब प्यार मिल रहा है। ये शो टीवी टीआरपी चार्ट पर टॉप 5 शोज में से एक रहा है। जब से लीव की खबरें सामने आना शुरू हुई हैं तब से शो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये शो की दूसरी पीढ़ी की कहानी है। ईशान और समी की लव स्टोरी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शक्ति शो छोड़ देंगे और शो में कई अन्य किरदार भी खत्म हो जाएंगे। भाविका शर्मा को मेकर्स ने बरकरार रखा है और सभी की नई कहानी हम देखेंगे। करणवीर बोहरा ने हाल ही में शो में एंट्री की थी लेकिन ये तय नहीं कि लीक के बाद शो का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं। इसी के साथ मानसी सल्लवी और इंद नील भट्टाचार्य उर्फ ईशा और शांतनु ने टीवी शो में दोबारा एंट्री की है। ऐसे कहा जा रहा है कि लीक के बाद फैंस को शो में नए कलाकारों की एंट्री देखने को मिलेगी। हितेश भारद्वाज, ऋचा राठौड़, कावेरी पल्लवी प्रधान की एंट्री होगी। हालांकि लीक से पहले भारत पटेल ने ईशान और सभी और पूरे उसे परिवार के लिए समस्या खड़ी कर दी है। वह किसी भी कीमत पर सभी से शादी करना चाहता है और उसने पूरे होटल को बंधक बना लिया है। सभी और ईशान इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भवर ने अपना मन मना ही लिया है कि वो सभी से शादी करना चाहता है। अब लग रहा है कि शो गुम है किसी के प्यार में दर्शकों के लिए डबल धमाका लेकर आने वाला है। अटकलों की माने तो फैंस को एक बार फिर साई और विराट की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। कथित तौर पर आयशा सिंह उर्फ साई और नील भट्ट उर्फ विराट की शो में धमाकेदार एंट्री होगी। इस अफवाह के बाद फैंस अपनी पसंदीदा जोड़ी को एक बार फिर से देखने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या वाकई लीप के बाद शो में नया ट्विस्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं।